चलिए संगीत के समंदर से अब थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और कविताओं के आंगन में हम अपने दिल को बहलाते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति हमारे आज की इस चीज की पहली कविता है और पहली कवित्री हमारे सामने आने वाली है। कवित्री जी की इच्छा थी कि वो अपनी कविता स्वयं लोगों को परिचित कराए और हमारी कवित्री जी हैं डॉक्टर कांशा जी। तो डॉक्टर कांशा जी, आपकी कविता और मंच आपका है। थैंक यू सो मच श्रुति मैम। आज मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग शायद एक दूसरे से परिचित हैं और मैं ही हूँ जो मेरा राजेश सर से एक इवेंट के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी और सर ने मुझे कनेक्ट किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबको को ज्वाइन कर रही हूँ इस इवेंट के लिए। तो और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, शायद आप लोग सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो अब ज्यादा कुछ बिना कहते हुए, अब आप सबको पता ही है, आप सबको मेरा इंट्रोडक्शन मिल गया है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। और अब ज्यादा वक्त जाया करते हुए करे बिना मैं अपनी कविता पे आती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है, मुश्किलें क्या हैं। मुश्किलें क्या हैं, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बस एक हमारी सोच नहीं? क्या सच में हम किसी मुश्किल से हार जाते हैं या बस मुश्किलों से जीतने के लिए लड़ना छोड़ देते हैं? हो सकता है जो हमारी नजरों में बड़ी बात हो, किसी और की नजरों में उसका कोई अस्तित्व ही ना हो, पर सच तो ये भी है कि जिस पे बीती है वही जाने हैं। क्या हर वक्त शांत रहने वाले वाकई में उदास होते हैं? क्या हर वक्त ना मुस्कुराने वाले वाकई में गुमसुम होते हैं? लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत दुखी रहती हूँ, खुशी के वक्त में भी दुख ढूंढ ही लेती हूँ, उस दौरान भी खुश नहीं होती। जब कोई ऐसा कहे तो कहते हुए उसे रुककर एक बार सोचना चाहिए। मुमकिन है एक इंसान का हर परिस्थिति में एक जैसा बर्ताव करना, और जो खुशी के वक्त में भी खुश नहीं होता तो शायद वो अंदर से टूटा है, बिखरा है, जो चाहता है कि कोई आकर उसे समेट दे। सबके लिए आसान नहीं होता हर परिस्थिति को चुटकियों में पार करना। मुश्किल होता है उन हालातों में खुद को संभालना। जो लोग मुझे नहीं समझते और उन्हें लगता है कि वो मुझे समझते हैं, उनसे हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हर वक्त हमें हंसाए। हमें बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिना कहे भी हमें समझ जाए, जो खामोश रहकर मेरी हर बात सुने, जिसे अपनी खुशियां और गम हम दोनों में चुने। मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमसे कहे मैं हूं तुम्हारे साथ, जो हमसे कहे मैं हूं तुम्हारे साथ हर डगर पे, चाहे तुम चिल्ला चिल्ला कर हंसो, चाहे तुम चिल्ला चिल्ला कर हंसो या फूट फूट कर रोलो जिंदगी के इस सफर में, चाहे तुम चिल्ला चिल्ला कर हंसो या फूट फूट कर रोलो जिंदगी के इस सफर में। धन्यवाद। ऐसा लग रहा था तुम अपने भाव बोल रही हो। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कविता और बिल्कुल नेचुरल सुनाई। कमाल।